ये आरोप है। आखिर बीजेपी के नेता 3 दिन से चुप क्यों हैं? ये क्या बीजेपी और एनडीए का कांग्रेस का विषय है? बोल रहा है कि एक रात पहले नीट यूजी के उत्तर रटवाए गए थे, तो अगर एक दिन पहले पटना में क्वेश्चन लीक हुआ है तो क्या आज के डिजिटल युग में हर बच्चा के पास क्वेश्चन नहीं पहुंचा होगा? दामन पे न कोई दाग न खंजर में कोई खीज, दामन पे कोई दाग न खंजर में कोई खीज, तू कत्ल कर रहो कि करामात कर रहो, ये कत्ल है, दिस इज मर्डर ऑफ ए चाइल्ड। अभी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, जहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज का रिपोर्ट आया कि जहाँ से लीकेज हुआ, हम लोग उस सेंटर का एग्जाम दोबारा से करा सकते हैं। और इनका मार्क्स अगर देखेंगे कि पिछले रिस्पेक्ट में लगभग अगर वो 10 नंबर बढ़ता है तो 10 नंबर के हिसाब से 620 नंबर होना चाहिए और उसका रैंक लगभग 30,000 के आसपास में होना चाहिए, 30,000 बच्चों को ऑल इंडिया से रैंक मिलना चाहिए। लेकिन 650 नंबर पे लगभग 30,000 बच्चे अभी आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही डेटा से समझ लीजिए कि ये गलत हुआ कि नहीं। जो हार नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2024 के रिजल्ट निकलने के बाद स्टूडेंट ने किया विरोध और खोला मोर्चा, और रांची के कई इंस्टीट्यूट ने भी इनका साथ में विरोध किया। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं। काफी बच्चे ज्यादा स्कोर किए हैं जिसकी वजह से उन्हें भी एम्स कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? अभी जिन्होंने 720 स्कोर किया 67 स्टूडेंट्स हैं और एम्स दिल्ली में 42 या 44 सीट्स हैं, तो जब 720 स्कोर करके भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा तो फिर एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? इधर अभी हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में 701 एक स्टूडेंट ने स्कोर किया, उसको हम लोगों ने वैसा उसका एक्सपेक्टेड था एम्स दिल्ली उसको मिल सकता था जैसे चांसेस थे, बट अभी उसका इतना रैंक 500 उसका एक्सपेक्टेड रैंक था और उसका 1500 रैंक चला गया। जब वैसे स्टूडेंट्स के साथ ये हाल है, 670-680 अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस लेंगे तो फिर जो 620-630-640 उनको तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा जो कि पिछले साल 601 तक मिल रहा था, तो फिर ये कहाँ का ये जाती है? ये ऐसा थोड़ी कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर इतना रैंक फ्लक्चुएशन 30,000-40,000। एनटीए के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि जिन बच्चों को कम समय मिला है उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। मेरे पास 5 और 6 तारीख और 7 तारीख का ढेर सारा न्यूज कटिंग है जिसमें बिहार में शेखपुरा का एक स्कूल है जहाँ पे 1 घंटा देरी से परीक्षा शुरू हुआ था, तो वहाँ पर बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दिया गया। तो अगर यहाँ के बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दिया गया, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, तो आखिर क्यों बाकी 4 राज्यों को बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है और यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है? एक चीज़ और है कि 6 और 7 तारीख अगर कोई भी पेपर देखेंगे पटना का, तो क्लियर पुलिस का स्टेटमेंट है कि लीक हुआ था नीट यूजी का प्रश्न पत्र, नाउ नीट लीक। ऐसा ढेर सारा पेपर कटिंग है, कुछ पेपर कटिंग में क्लियर पैसा का जिक्र है, कौन लिया है, क्या दिया, सब कुछ दिया हुआ है। और एक तो सबसे बड़ा है कि क्लियर पुलिस बोल रहा है कि एक रात पहले नीट यूजी के उत्तर रटवाए गए थे, तो अगर एक दिन पहले पटना में क्वेश्चन लीक हुआ है तो क्या आज के इस डिजिटल युग में हर बच्चा के पास क्वेश्चन नहीं पहुंचा होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग ग्रेस मार्क्स पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा स्कैम है ये कि क्वेश्चन ही लीक हो चुका था और इसका कारण है कि इतना ज्यादा बच्चों का इतना नंबर आया है। एग्जाम में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस सेंटर पे एग्जाम का पेपर आउट हुआ है उस सेंटर का भी रिजल्ट रिलीज हुआ एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं है कि बस ये मीडिया से ही चल रहा है, ये प्रूफ भी मिला है, वैसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी मिले हैं उसके पास ये एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू गेट कॉलेज इन, दे आर गोइंग टू गेट एमबीबीएस इन एनी कॉलेज, इवन 640। एंड आपने भी देखा होगा एक या दो दिन पहले हमने देखा है कि कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड भी किया है मार्क्स को देख के। So this is going to create a great havoc on the society. So really we strongly condemn that कि आपको exam, you should, या तो आपके पास exam कराने का, आप ये कर सकते हैं कि exam दोबारा कराएं, and if it is not possible because बहुत सारे students जिनका genuine preparation था they will get disturbed, तो दूसरा option हमारे पास ये हो सकता है कि जो भी student exam में बैठे थे जहाँ पे थोड़ा बहुत damage का report आया कि जहाँ से leakage हुआ, हम लोग उस center का exam दोबारा से करा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली हटाना है। तो अगर ग्रेस मार्किंग आप इस बेसिस पे दे रहे हैं, कोई बंदा लेट से पहुंचा उसके बेसिस पर मार्क दे रहे, तब तो फिर एक रूल बन जाएगा। और अभी किसी भी प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा में कभी मेंशन नहीं था कि हम जब एग्जाम लेंगे तो ग्रेस मार्क्स भी देंगे, ये पहले से प्री इन्फॉर्म्ड होता है। ये 10th और 12th का नॉर्मल एग्जाम हो नहीं रहा, किसी कॉलेज का नॉर्मल टर्मिनल एग्जाम नहीं है।
सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भैया ये जो पेपर आपने लिया है इस पेपर में ग्रेस मार्क सिस्टम हटाना है। दूसरी बात क्या है कि जहां हमारा एग्जाम हो रखा था जिस सेंटर पे पेपर लीकेज का थोड़ा सा भी डाउटफुल सिचुएशन है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर कि वहां पे कुछ ना कुछ अगर दिक्कत है तो सेंटर के एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करे, उसका री एग्जाम करा के उन बच्चों को वापस एग्जाम में डाल के फिर से एक रिकॉन्साइल करके रिजल्ट बनाए। दिस इज माई कंसर्न। छिप जाती अगर ये 718-719 नहीं मिलते, 718-719 मिलना बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ, तब ये सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर ये नंबर आए कैसे, कोई कैलकुलेशन नहीं। तब रात में 11 के रात में उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है। उसके बाद सारा बच्चा जो परेशान था वो एक एक कॉपी उसने जिस बच्चे के मार्क्स वैसे थे ढूंढे, तब पता चला किसी को 100 ग्रेस मार्क्स है, किसी को उससे ज्यादा है। मेरा सीधा आरोप है NTA पे, NTA के ऑफिशियल्स को लग गया कि NDA की गवर्नमेंट नहीं आ रही है इसलिए खेल खत्म करो, सीधा आरोप है और इसका खंडन करे NTA। और एक बात है, NTA ने क्या किया, दामन पे न कोई दाग न खंजर में कोई खीज, दामन पे कोई दाग न खंजर में कोई खीज, तू कत्ल करो कि करामात करो, ये कत्ल है, दिस इज मर्डर ऑफ ए चाइल्ड। वाई, एक लाइन में समझेंगे, आपके सभी के बच्चे हैं, 650 नंबर वाले को 22,000 रैंक आ रहा है, 27,000 रैंक आ रहा है, 28,000 आ रहा है। अब आपको बता दें ये काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, कोई बच्चा झारखंड के कॉलेज के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। पिछले साल की जो टॉपर थी रांची की 705 नंबर लेके वो एम्स गई, बच्चे का पहला टारगेट एम्स है, एम्स के अलावा इंडिया के टॉप 10 कॉलेज हैं जहां के मार्क्स क्वालिफाइंग 680 से ज्यादा जाते हैं। NTA ने क्या बदमाशी की है, स्पष्ट शब्द है, उन लोगों ने सेलेक्टिवली कन्हाइवेंस में ग्रेस मार्क्स दिए, अगर उनकी नीयत साफ होती तो ऑब्जेक्शन का इंतजार क्यों किया। आप ये बता दीजिए, आज तक CBSE में कभी नहीं हुआ कि 67 बच्चों को 500 नंबर आया, फिर NTA में कैसे हो गया। और क्रोनोलॉजी को समझिए, हरियाणा का जो हरदेव पब्लिक स्कूल है वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हुआ, 8 नंबर सीरियल ऑर्डर में ये BPSC और JPSC को फेल कर दिया NTA ने, 8 बच्चे सीरियल ऑर्डर में और 6 को 720, दुनिया में कहीं संभव नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और ट्रेजरी सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे ट्रेजरी है कि जो बच्चे 2-3 साल तैयारी करके कर रहे हैं उन बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, उनका मनोबल टूटा हुआ है। इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि इसको अविलंब और NTA की डायरेक्टर की पूछताछ हो, हमारी सरकार CBI ED का बड़ा प्रयोग करती है, NTA के डायरेक्टर को अभी तक क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि अगर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो NTA का डायरेक्टर है और इमीडिएटली, और इसके लिए कोर्ट का भी रूट लिया है। और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, रांची के सभी कोचिंग यूनाइटेड होकर खड़े हैं और हिंदुस्तान के लगभग सभी कोचिंग अपने अपने स्तर से इसको कर रहे हैं। और हम लोग का यही अपील है कि NTA इसको रद्द करे और फिर से एग्जाम ले, कुछ चैलेंजेस हर चीज़ में होंगी, बच्चों के साथ ही अन्याय हुआ है और जल्द फैसला ले। सरकार इतना मशगूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ना रहे कि 4 जून से जो चीजें चल रही है बच्चे तबाह हो जाए, ये आरोप है। आखिर BJP के नेता 3 दिन से चुप क्यों हैं? ये क्या BJP और NDA का कांग्रेस का विषय है? किसको बचाया जा रहा है? Why BJP लीडर्स आर नॉट स्पीकिंग? Why? मैं तो कह रहा हूँ ये आरोप है, ये प्रूफ नहीं है। आखिर 4 दिन हो गए, एक BJP के राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को चिंता नहीं है, क्यों? फिर मैं कह रहा हूँ ये आरोप है। और सीधी सी बात है, कटघरे में BJP और NDA नहीं है, कटघरे में NTA है और NTA BJP शासित सरकार की इकाई है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके डायरेक्टर को तलब होना चाहिए। इतने दिन हो गए, सरकार को भी तक तलब करना चाहिए NTA के डायरेक्टर को। मैटर NTA है, वो एक घटना है, नहीं होगी, खुशी की बात है, पर NTA के डायरेक्टर को अभी तक क्यों नहीं सामने लाया गया? मुद्दा ये, कौन बचा रहा है उसको? कोई तो होंगे। 677 मार्क्स है मेरा। तो क्या अभी री एग्ज़ाम करवाती है NTA, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हैं? हाँ, मैं प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आने से मतलब नहीं है। लाइक कितने लोग हैं जिनका कम मार्क्स है और उसके वजह से लाइक वो लोग पूरा मेहनत किए थे अपना, और इतना मार्क्स लाने के बाद भी जब उनको सीट नहीं मिलेगा तो वो फेज़ बहुत बुरा होता है। तो इसलिए हम भी तैयार हैं और पूरा मतलब सही हो गया, मतलब सबका। देखिए मैम, री एग्ज़ाम की जो बात हो रही है ये साफ और साफ दाग है NTA पे। देखिए, हमें जो कहा गया हमने सब फॉलो किया, आपने बोला टाइमली फॉर्म फिलअप करो, जो भी प्रोसीड होता था आपकी तरफ से गलती हुई, आपने बच्चों को टाइमली पेपर नहीं दिया, तो
हम क्यों फेस करें, हम क्यों चाहेंगे कि वापस से री एग्ज़ाम हो। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिनवनली आप बताइए कि आपने कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, आप उनका फिर से रीनीट कराइए, हम क्यों उसमें शामिल हों। क्योंकि हम मुझे पता है ना कि मैंने लगातार 4 महीना मेहनत किया, लगातार उस फ्लो को मेंटेन किया, अचानक से आप मुझे कहिएगा कि 1 महीने आपको फिर से पेपर देना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इस बार हम स्कोर कर रहे हैं अगली बार वही स्कोर करें, ये हर स्टूडेंट का यही हाल है। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं री एग्ज़ाम को? हम री एग्ज़ाम को सपोर्ट करें, री रिज़ल्ट को सपोर्ट करते हैं कि आप जो भी ट्रांसपेरेंसी आप कह रहे हैं आप ला के दिखा दो कि ये कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है नहीं दिया है, साफ क्लियर हो जाएगा। बट उसे एन टी ए डिनाई कर रहा है तो साफ दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं गलत है सिस्टम। क्या आपको लगता है कि एन टी ए से बहुत बड़ी गलती हुई है? जी ऑफकोर्स मैम, एक्चुअली वो जो रैंक में इन्फ्लेमेशन जो आया है वो आप देख रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो मार्क्स था, मेरा नाम एमडी परवेज मुशर्रफ है, मेरा इस बार मार्क्स 685 आया था, तो जो जिस मार्क्स पे पिछले साल रैंक 1400-1600 रैंक था, इस बार वो 7000-6000 पहुँच चुका है वो रैंक। तो उस तरह से देखा जाए वो तो मेरा ठीक है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन जो 650 मार्क्स लाया मैम, जो उससे नीचे वाला मार्क्स लाया है उसे तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, जो कि 600 मार्क्स पे मिल जाता था। री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज हम लोग को मिलेगा ही, लेकिन अब कोई भी बी डी एस तक का नहीं है। अगर हम लोग को बी डी एस ही लेना था तो हम लोग पिछले साल भी ले सकते थे ना, एक साल जब ड्रॉप लिए थे तो हम लोग को भी कुछ था ना, बट अब कोई उम्मीद नहीं है। 2022 में फिर से 20,000 बच्चे को ऑल इंडिया से कॉलेज मिला, उनका मार्क्स था 602, और 2021 में 19,000 को मिला था, उसका मार्क्स था 600, मतलब 2 मार्क्स का डिफरेंस हुआ। देन आप 2023 का देखेंगे तो 610 नंबर पे 23,000 बच्चे थे जिन्हें ऑल इंडिया से कॉलेज मिला था, और 2023 में लगभग 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। 2024 में टोटल 23 लाख बच्चे अपीयर हुए लमसम, और इनका मार्क्स अगर देखेंगे कि पिछले रिस्पेक्ट में लगभग अगर वो 10 नंबर बढ़ता है तो 10 नंबर के हिसाब से 620 नंबर होना चाहिए, और उसका रैंक लगभग 30,000 के आसपास में होना चाहिए, 30,000 बच्चों को ऑल इंडिया से रैंक मिलना चाहिए। लेकिन 650 नंबर पे लगभग 30,000 बच्चे अभी आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही डेटा से समझ लीजिए कि ये गलत हुआ कि नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।